सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केके कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो आज हम यहाँ पर विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपने जाना आवेशों के बारे में, आपने जाना कि आवेश होते हैं जिन्हें हम चार्ज कहते हैं। चार्ज आपने पढ़ा कि आवेश दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। इसे आप कहते थे धनावेश, इसे आप कहते थे ऋणावेश, ठीक है। प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। अभी क्या होगा कि ये प्लस माइनस एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब ये जब दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, प्लस माइनस एक में सम्मिलित हो जाते हैं, तो यहाँ से फिर बनती है हमारी। और सम्मिलित होने के बाद अगर ये केवल सम्मिलित हैं तो भी इन्हें आवेश ही कहेंगे, दो आवेशों का एक निकाय बोलेंगे। लेकिन अगर यही दोनों मिल करके गति करना शुरू कर दें, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना शुरू कर दें, तो हम बोलते हैं कि ये जो है तार में क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आवेश जब चलते हैं समय के साथ में, तो हम कहते हैं विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो कुल मिला के इसकी डिफिनेशन क्या निकल के आती है कि आवेशों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, डिफिनेशन हो जाएगी कि आवेशों के प्रवाह दर को, आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब समय के साथ आवेशों का प्रवाह होता है तो हम उस कहते हैं कि इस चालक में, जिस चालक में आवेशों का प्रवाह समय के साथ होता है, तो हम कहते हैं कि इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बिजली प्रवाहित हो रही है। जैसे आप विद्युत या बिजली या जो भी है लाइट वगैरह कहते हो, वही चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। देख लो, जैसे मान लो आपके पास एक चालक है, ठीक है, चालक जिसे हम आप सुचालक कहते हैं। सुचालक जो होता है, मान लो कोई धातु है, ठीक है, तो जो सुचालक होते हैं उनमें एक विशेष गुण होता है कि उनके अंदर जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जब बैटरी ना लगाए हो तब समझो, पहले इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो विद्युत को प्रवाह करने, विद्युत प्रवाहित करने में विद्युत की मदद करते हैं, यानी विद्युत को बहने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, जैसे कुचालक में, ठीक है। कुचालक मतलब प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं परमाणु के भीतर। इनमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसी वजह से ये मूव नहीं कर पाती, इसमें ये मूव नहीं करते और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसा होता है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि ये चालक होते हैं, और चालक में मैंने बताया क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालकों में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, यहाँ से क्या होगा कि जब बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये आपस में गति किया करते हैं उल्टा सीधा। कोई इधर को जाएगा तो कोई इधर, एक अगर इधर को जाएगा तो एक इधर जरूर जाएगा, दूसरा इधर को जाएगा तो पता है तीसरा इधर को जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है। ये ऊट पटांग गति किया करते हैं, कब, जब ये अंदर होते हैं। ये आप इसके अंदर झांक के देखोगे, मतलब झांकोगे तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, हालांकि उसके अंदर होते हैं, ठीक है। मान लो कोई लोहे का टुकड़ा है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें जिगजैग गति किया करेंगे, जिगजैग इसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ठीक है, इस तरीके से उल्टा सीधा गति करते हैं, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं जिगजैग, ठीक है, जिगजैग मूवमेंट किया करते हैं। और ये जो गति करते हैं, इस गति को बोलते हैं बेटा यादृच्छिक गति। कौन सी गति, यादृच्छिक गति, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम,
मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम मोशन और हिंदी में बोलते हैं यादराक्षिक गति। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में टकराते रहते हैं और यादराक्षिक गति किया करते हैं। कब? जब इनमें हम बैटरी नहीं जोड़ते हैं। अब अगर इनमें बैटरी जोड़ दें तब क्या होगा? देखो, जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं बैटरी सेल या किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो आप विद्युत स्रोत में जानते हो दो प्रकार के तार आते हैं, न्यूट्रल एंड फेस। फेस बोलते हैं प्लस को और न्यूट्रल बोलते हैं माइनस को। जैसे हम बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ से प्लस जाता है और धातु की इस सतह को धनावेशित कर देता है, और यहाँ से माइनस जाता है धातु की सतह को वो ऋणावेशित कर देता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है इसलिए वो प्लस से प्यार करते हैं, और जो किसी से प्यार करेगा उसी के पास जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लव करते हैं, प्यार करते हैं प्लस से, इसलिए ये किसकी तरफ भागेंगे? प्लस की तरफ भागेंगे, ठीक है। ये बैटरी जोड़ने के बाद क्रिया होगी, ये प्लस की तरफ भागेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जब हम इनको बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस साइड में, ठीक है, इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इन कणों पर इसकी विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर को है लेकिन बल इधर को लगेगा। जब इधर को बल लगेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे प्लस के पास आ जाएंगे। मैंने कहा था अभी आपको कि यहाँ पर प्लस है, आ कौन रहा है वहाँ से? माइनस आ रहा है। ये प्लस माइनस जब मिलेंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। यहाँ आकर के मिलेंगे प्लस माइनस, ऐसे नहीं बहेगी, ऐसे बहेगी, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस मिलेंगे और धारा ऐसे इस परिपथ में बहना शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे। जबकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की गति है। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो विद्युत धारा क्लॉकवाइज चलेगी। एक बात ध्यान देना हमेशा, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से ही बनती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के जस्ट उल्टा होती है। तो इस तरीके से विद्युत धारा उत्पन्न होती है चालकों में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमने कहा था आवेश प्रवाहित होगा, तो आवेश प्रवाहित हो रहा है पूरे परिपथ में, और आवेश प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आपको विद्युत धारा समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक करंट, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब इसको लिखते किससे हैं? तो इसे आई से लिखा जाता है। आपने हाई स्कूल में भी इसे पढ़ा होगा, टेंथ में पढ़ा होगा, इसे आई से लिखते हैं, ठीक है। अब आप स्मॉल आई लिखो या कैपिटल आई लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है किसका? आई बराबर क्यू अपॉन टी, जो कि आप टेंथ में पढ़ चुके हो, जहाँ पर क्यू क्या है? चार्ज, ठीक है, यानी कि आवेश, और टी क्या है? टाइम यानी समय, और आई तो आपकी धारा है, ये तो आप जानते हैं। ये समझ में आ गया? तो ये है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, इसे एम्पियर में मापा जाता है, और इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं या ए एम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये होती है आपकी विद्युत धारा। समझ में आ गया होगा आपको? अगर आ गया तो मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि किसी भी, अब देखो आपने क्या किया, आपने जाना भाई चालक था, चालक में धारा प्रवाहित करवा दी आपने। अब चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो ये कोई तार है और इस तार में कोई चालक है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा मैंने मान लिया, तार नहीं मानेंगे, इसमें आई करंट प्रवाहित हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है,
बह रही है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, इन्होंने कहा जो ओम थे इन्होंने इसी के बारे में नियम दिया और इन्होंने कहा कि जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होती है, तो ध्यान दो कि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में सिखाया है कि जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं या विभू कहते हैं, ठीक है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी यानी आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा और जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा तो यानी कि विभव भी उत्पन्न होगा। हम मान लेते हैं कि जब ये आई करंट इसमें फ्लो होता है तो इसका विभव क्या उत्पन्न होता है? वी, ठीक है। कुछ देर के लिए हमें ओम मान लो, ठीक है। तो मैं हूँ ओम और मैं आपको समझा रहा हूँ, वैज्ञानिक ओम क्या समझा रहे हैं कि कहते हैं कि अगर एक चालक है, ठीक है, उस चालक में अगर आई करंट फ्लो हो रही है और उसके कारण अगर वी विभव उत्पन्न हो रहा है तो ये जो वी विभव उत्पन्न हो रहा है ये वी विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के अनुक्रमानुपाती। ओम ने क्या कहा कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है और इसके कारण जो उत्पन्न होने वाला विभव है वो विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर हम विभव के मान को थोड़ा सा बढ़ा दें तो आई का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर धारा का मान हम दोगुना कर दें तो विभव का मान भी दोगुना हो जाएगा। धारा का मान आधा करेंगे तो विभव का मान भी आधा हो जाएगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें डिफिनेशन के रूप में तो डिफिनेशन क्या निकलेगी? सबसे पहले हम डिफिनेशन आपको लिखा देते हैं। डिफिनेशन क्या निकलेगी कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न होने वाला विभव, उसमें उत्पन्न होने वाला विभव, ब्रैकेट में वी लिख सकते हो, यहाँ पर प्रवाहित होने धारा को आई लिख सकते हो, ठीक है, धारा आई प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाला विभव वी धारा के या प्रवाहित धारा के प्रवाहित धारा आई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपकी क्या हो गई? डिफिनेशन हो गई ओम के नियम की। अब डिफिनेशन के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कहा कि जब इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं उसके कारण जो वी विभव उत्पन्न होता है वो वी विभव अनुक्रमानुपाती होता है किसके? आई के। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस आई, यहाँ पर इक्वल का निशान लगाते हैं, जब हम यहाँ इक्वल का निशान लगाएंगे और इसके निशान को हटाएंगे तो एक नियतांक बढ़ जाएगा जिसे हम नाम देंगे आर। अब बोलता है कि ये आर क्या है, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसे V बराबर आर आई लिखो या फिर आप इसे थोड़ा सा सही कर दो, V बराबर आई आर, यही आपका ओम्स लॉ, ओम का नियम। यहाँ से विभव निकला है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। अब मैं बात करूँगा कि ये जो आर है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो ये जो R होता है ये रेजिस्टेंस होता है और इस रेजिस्टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध। R क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर R कांस्टेंट है, नियतांक है, लेकिन इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध
कहा जाता है। ओके, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्योंकि ओम क्यों रखा गया? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो पता लगाया था वो ओम नहीं लगाया था, इसलिए रेजिस्टेंस के यूनिट को ओम बोला गया। ठीक है, ये एक ग्रीक भाषा का अक्षर होता है जिसे हम ओम बोलते हैं। ओके, जहाँ तक समझ में आ गया, ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। समझ में आया? फिर से समझ लेते हैं। ओम्स ने क्या कहा था? ओम ने कहा कि यदि किसी चालक में आई करंट फ्लो करें और वो आई करंट फ्लो होने पर अगर वी विभव, वी पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो जो वी पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा, उस पर निर्भर करेगा पूरी तरीके से, अनुक्रमानुपाती होगा। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक बढ़ जाएगा जिसे हम कहेंगे आर, और आर को इंग्लिश में बोलते रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध का जो गुण होता है ये सभी पदार्थों में, सभी चालकों में पाया जाता है, और अचालकों में यानी कुचालकों में, कुचालकों में और अर्धचालकों में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा को रोकने का गुण। ठीक है, और ये सभी पदार्थों में, सभी चालकों में, सभी कुचालकों में, सब में होता है। किसी में ज़्यादा होता है, जैसे कुचालकों में प्रतिरोध का गुण बहुत ज़्यादा होता है तो वो धारा को पूरी तरीके से रोक देता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्धचालकों में यानी सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स में, इनमें धारा को रोकने का गुण थोड़ा सा कम होता है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इनमें धारा कम कम प्रवाहित होती है। चालकों की बात करें तो इनका रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए इनमें धारा प्रवाहित कर सकती है। ठीक है, तो ये था आपका ओम का नियम, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे प्रतिरोध के बाद में एक दूसरे गुण पर, जो कि चालकों का एक बहुत इम्पोर्टेंट गुण हो जाता है, एक अच्छी प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं क्या है वो। देखो, हेडिंग डाल के लिखना है आपको प्रतिरोधकता, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से। पी के आकार में बनेगा, लेकिन पी जैसा बनेगा, लेकिन पी ना बनाना, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ रो। ओके, अब प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंसिटिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंसिटिविटी, अब ये क्या होती है? तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको चालक की बताई थी बात, ठीक है, कोई चालक मैंने लिया था, उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि चालक का जो ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, ये चालक का अनुप्रस्थ काट होता है। जैसे आपका ये तार है, तो आप तार का, ये मेरा टॉप व्यू देख रहे हैं आप, ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है। इस तरह का तार है मान लो, तो ये जो होती है ये अनुप्रस्थ काट होती है। पाइप देखी होगी, पाइप जहाँ से पानी घुसता है वो वाली चीज़ क्या रहती है? अनुप्रस्थ काट कहलाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट कहते हैं। यहाँ पर चलो, यहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा है फिलहाल, मैं इसमें बता देता हूँ, आप इसमें देख पा रहे होंगे इसको, ये चीज़ जो है ये अनुप्रस्थ काट कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसके अनुप्रस्थ काट का आधा कर दें, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दें, यहाँ लिखेंगे यदि हम चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ठीक है, ये वाला बात कर रहा है इसकी, क्षेत्रफल ए को आधा कर दें। ठीक है, अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जब हम इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस दोगुना हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध है, ठीक है, धारा को विरोध करने का गुण है, वो क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। कर दें तो
प्रतिरोध आर क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब देखो ये दोनों उल्टा काम कर रहे हैं, एक को हम आधा कर रहे हैं तो दूसरा दोगुना हो जा रहा है। जब हम क्षेत्रफल को आधा करते हैं तो रेजिस्टेंस दोगुना हो जाता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती नहीं कहेंगे अब। बेटा देखो ध्यान से समझना, अगर हम प्रोपोर्शनल टू कहते, यानी कि अगर एरिया के ये अनुक्रमानुपाती ना अनुक्रमानुपाती होता, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया के अनुक्रमानुपाती होता तो हम जब एरिया को आधा करते तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता, आधा हो जाता। जब एरिया को आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जब हम आधा करते हैं तो ये दुगुना हो जाता है, यानी ये अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम माने उल्टा, एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार हो जाएगा आपका आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल के आया। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हम चालक की लंबाई में परिवर्तन करें, अभी तक हमने इसके अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन किया, अब अगर हम इसकी लंबाई को थोड़ा सा कम कर दें, ये इसकी लंबाई हो गई चालक की। ठीक है, अगर हम चालक की लंबाई को कम कर दें, ठीक है, यानी कुल मिला के चालक की लंबाई को नहीं, चालक की लंबाई को कम नहीं करते हैं हम, चालक की लंबाई को क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। चलो ठीक है, पहले की अपेक्षा दोगुना कर देते हैं। ठीक है, अभी तक आधा किया था एरिया को, अब हम चालक की लंबाई को अगर दोगुनी कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बहने वाला प्रतिरोध है वो भी दोगुना हो जाता है। चालक की लंबाई को जब दोगुना करते हैं तो इसमें जो उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, जो धारा को विरोध करने का गुण है, वो भी दोगुना हो जाता है। लंबाई दोगुनी करेंगे तो वो भी दोगुना हो जाएगा, जैसे हम चालक की लंबाई को दोगुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है कि जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वो भी बढ़ रहा है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, कि जब चालक की लंबाई को दोगुना किया जाता है चालक की लंबाई को दोगुना किया जाता है, तो जब चालक की लंबाई को दोगुना किया जाता है तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई, जब चालक की लंबाई को हम दोगुना करते हैं तो हमारा प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो रेसिप्रोकल है, मतलब इसके बिल्कुल अनुक्रमानुपाती है। क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आर अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे, आर अनुक्रमानुपाती एल। एल क्या है, चालक की लंबाई है, आर अनुक्रमानुपाती एल। एल क्या है, चालक की लंबाई है। अब यहाँ से देखो ये चीज़ समझ में आ गई, अब हम चलते हैं आगे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रफ़ कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं इसे रफ़ कर देता हूँ, सिर्फ फार्मूला हम रखेंगे क्योंकि डिफिनेशन तो आप लिख चुके होंगे। अब देखो यहाँ से ये वाली चीज़ इसके अनुक्रमानुपाती है आर के, और यहाँ पर ये चीज़ व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों को मैं एक में मिला के लिख लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं एक में मिला के लिखूँगा तो आ जाएगा आर अनुक्रमानुपाती, ये ऊपर है एल, नीचे कौन है ए, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और जब हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ एक नियतांक बढ़ जाएगा जिसको हम रो से प्रदर्शित करेंगे, रो एल अपॉन ए। ये जो रो है, रो को मैं इसके साथ कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, तो रो एल अपॉन ए, यहाँ जो रो आया यही आपका कहलाता है प्रतिरोधकता। इसी रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, जहाँ रो क्या है,
प्रतिरोधकता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सीधी सी बात थी कि अगर हम चालक की अनुप्रस्थ काट को आधा करें तो प्रतिरोध दोगुना हो रहा था, तो इसका मतलब प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। फिर कहा कि अगर चालक की लंबाई को दोगुना करें तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, इसके अनुक्रमानुपाती है। दोनों अलग अलग था, एक में मिला के लिख दिया। फिर यहाँ से जो अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे एक नियतांक बढ़ेगा जिसे हम रो से लिखेंगे, और रो जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम देखो क्या करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। इसके बाद में अब हेडिंग डाल दीजिए धारा घनत्व। अब धारा घनत्व क्या होता है, हम अब इस बात पर चर्चा करेंगे। धारा घनत्व इसको जे से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हैं, सब एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो सारे मिल जाएंगे। धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व क्या होता है, जैसे ये आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ से कोई पानी जा रहा है, तो जितना पानी यहाँ से प्रवेश करेगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा, पक्का मानते कि नहीं मानते? जितना पानी पाइप के इस ये पाइप का जो सिरा है थोड़ा सा, ये मुँह थोड़ा सा संकरा है, और यहाँ पर पाइप का जो मुँह है वो थोड़ा सा चौड़ा है। तो मैं बात करता हूँ पानी की। सबसे पहले यहाँ से जितना पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा उतना ही पानी इस दरवाजे से निकलेगा, ये तो है नहीं, वहाँ ज़्यादा हो जाएगा उतना ही निकलेगा। बस फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पानी के कण थोड़ा पास पास होंगे, मानते, और यहाँ पर जो पानी के कण है वो थोड़ा दूर दूर होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पानी के कण हैं, यहाँ पर जो पानी के कण हैं वो थोड़ा पास पास होंगे, यहाँ पर पानी के कण थोड़ा पास पास होंगे, और यहाँ पर पानी के कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। इसका रीज़न है, रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत संकरा है, इस वजह से यहाँ पर वाटर के जो कण है वो पास पास होंगे और यहाँ पर दूर दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दरवाज़ा इसका चौड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर जो पास पास हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर जल का घनत्व क्या है, यहाँ पर घनत्व थोड़ा ज़्यादा है, घनत्व अधिक है, और यहाँ पर कहेंगे घनत्व क्या है, कम है। ठीक है, घनत्व कम है। अब अभी तक आप समझ रहे थे ये वाटर है, लेकिन जैसे किसी नाली या पाइप में वाटर फ्लो करता है बिल्कुल वैसे ही तार में करंट फ्लो करता है। आप किसी पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, आप देखते हो कैसे वाटर बहता है, बिल्कुल वैसे ही तार में करंट फ्लो होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो अगर यहाँ पर आपसे मैं पूछूं कि धारा इस पाइप में प्रवाहित हो रही है, मैं आपसे पूछूं कि इस सिर कहाँ पर धारा का घनत्व अधिक होगा, किस बिंदु पर धारा का घनत्व अधिक होगा, तो इस बिंदु पर आप कहोगे धारा का घनत्व क्या है, अधिक है, और इस सिरे पर धारा का घनत्व क्या है, कम है। इस सिरे पर धारा का घनत्व अधिक है और इस सिरे पर धारा का घनत्व कम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धारा का घनत्व होता क्या है, धारा का घनत्व क्या होता है। इस बात पे हम फिर इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। धारा घनत्व, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व। लिख सकते हैं हम, किसी चालक के, किसी चालक के, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं इसे मिटा देता हूँ, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा
आई को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को मैंने बताया जे से प्रदर्शित करते हैं, तो डिफिनेशन जो मैंने लिखी इस डिफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू धारा हो गई और एकांक एरिया नीचे हो गया, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये आपका क्या हो जाता है, धारा घनत्व हो जाता है। ठीक है, अब हम धारा घनत्व की यूनिट की बात करें तो ये होता है एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास इसका यूनिट मिल जाता है जो कि एसआई यूनिट होता है। एसआई क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये पूरी दुनिया में पूरे विश्व में यही पद्धति अपनाई जाती है मापने के लिए, राशियों को मापन के लिए यही राशि अपना यही पद्धति अपनाई जाती है। वैसे बहुत सारी पद्धतियाँ जैसे कि FPS फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, CGS यानी कि CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और होता है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, ये भी चलती है। लेकिन इन तीनों के अलावा पूरे ऑल विश्व में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SI चलती है, तो SI में जो इसकी यूनिट होती है वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह गया है, फिर इसके बाद में हम चलेंगे अपवाह वेग पर, और अपवाह वेग हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक और टॉपिक छूट रहा है जो हम कर लेते हैं। एक टॉपिक जो आपका बचा है वो है चालकता, ये सब NCERT से आपका बताया जा रहा है, चालकता टोटल लैंग्वेज भी हमने NCERT से ही ली है। अब चालकता की बात करें तो चालकता क्या होता है, सीधी सी बात है, इसका छोटा सा डिफिनेशन होता है, अभी आपने इससे पहले पढ़ा था प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता तो क्या कहेंगे कि जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, या यूं कहें कि एकांक लिखेंगे, प्रति एकांक, प्रति एकांक प्रतिरोधकता को प्रति एकांक प्रतिरोधकता को चालकता कहते हैं, या फिर इसकी एक और डिफिनेशन हो सकती है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, तो पहले प्रतिरोधकता मालूम होनी चाहिए, प्रतिरोधकता को हम लिखते हैं रो से, अब रो का उल्टा करेंगे तो रो के अपान में वन छुपा है, वन को ऊपर ले जाएंगे इसको नीचे लाएंगे, इसका उल्टा करेंगे तो वन अपान रो आएगा, अर्थात फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू वन अपान रो। ये आपका किसका सूत्र हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका चालकता का। अब आगे की बात करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो कि धारा घनत्व का होता है, धारा घनत्व का होता है आपका फॉर्मूला इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है, यहाँ से देखेंगे इज इक्वल टू होता है जे इंटू रो। अब यहाँ पर अगर हम रो की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर अगर रो की वैल्यू को पुट करें, रो की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से रो की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे जो कि निकलेगी वन अपॉन सिग्मा, यहाँ पर हम रख देते हैं ई इज इक्वल टू जे इंटू वन अपॉन सिग्मा, यहाँ से आपका जो निकल के आएगा जे, तो जे क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पर सिग्मा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जे बराबर आ जाएगा ई इंटू सिग्मा। तो इस तरीके से हमारे पास धारा घनत्व का एक फॉर्मूला दूसरा भी मिल जाता है, या फिर यहाँ से अगर हम सिग्मा निकालना चाहें तो यहाँ से सिग्मा बराबर आ जाएगा जे अपॉन ई। इस तरीके से हमारे पास एक जे का भी फार्मूला मिल गया और एक सिग्मा का भी फार्मूला मिल गया। ये छोटे छोटे फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स लगाने में काम आएंगे। ये था आपका चालकता और धारा घनत्व, आपने इसमें कई सारे टॉपिक जाने, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में जिसका नाम है अपवाह वेग। ये आपके इस चैप्टर से थ्योरी पार्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 3 से ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। थ्योरी पार्ट में बात करें, अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कल के वीडियो में हम इसे जानेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।